Today we will discuss ISA 620 using the work of an expert. This is one of the smaller standards. Are you feeling tired? We have been studying a lot of standards over the period and we are nearing the end of our course. So by the time we reach this standard, many students feel very tired and they believe that it is a daily change program and at times there are two in a day. So, but it's very easy standard. It is one of the series of using the work of others. In this series, as you all know, we have three standards: using the work of internal audit, using the work of another auditor, and using the work of an expert. So, almost similar guidance in all three standards, therefore easier to understand and easier to remember. Who is an expert to begin with? वैसे तो हम accountants और auditors अपने अलावा किसी और को expert मानने को तैयार ही नहीं है, लेकिन इस standard में expert की definition में उन्होंने हमें निकाल दिया. उन्होंने कहा कि expert एक is a person who possesses some specialized knowledge and skill other than accounting and auditing. So, क्या समझें? Accountants और auditors experts नहीं होते? नहीं, वो भी होते हैं, लेकिन इस definition में शामिल नहीं है. जब हम किसी accountant से मशवरा लेते हैं, तो इसको हम consultation कहते हैं. जब किसी auditor से मशवरा लेते हैं, तो इसको भी हम consultation कहते हैं. इसको using the work of एन एक्सपर्ट नहीं कहते. ऑडिट में कई मुकामात हैं जहां हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है. मसलन अगर हम किसी हाईली हाईटेक इंडस्ट्री के ऑडिट पे जाएं, तो हो सकता है कि वहां इन्वेंट्री की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें उस इंडस्ट्री का कोई इंजीनियर रिक्वायर्ड हो जो आइडेंटिफाई कर दे उस इन्वेंट्री को. अगर हम किसी ऐसी एनवायरमेंट में ऑडिट के लिए जाते हैं जहां बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की CIS एनवायरनमेंट है, तो वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स को समझने के लिए और उनको टेस्ट करने के लिए शायद हमें किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, क्योंकि हम शायद इतनी टेक्निकल स्किल्स ना पोजेस करते हों. व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ इम्पेयरमेंट, सो एट टाइम्स वी आर कंफ्यूज्ड. We do not have the technical expertise and we may be, might be going for a valuer. Retirement benefits ke case mein to in any case actually ke bagayar hamari gaadi bilkul hi nahi chalti. So, jab ye maamla contingencies tak pahunchta hai, litigation tak pahunchta hai, to wakil ki madad ke bagayar hum na to outcome of the litigation assess kar paate hai, na hi liability involved. हम ऑडिट में इनमें से कई मुकामात को देख चुके हैं कि यहां पर जाकर हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी. सो ये है जनाब वो सिचुएशंस जिसमें ऑडिटर की नॉलेज इनसफिशिएंट हो सकती है और फिर किसी एप्रोप्रिएट ओपिनियन तक पहुंचने के लिए वो समझे कि शायद मुझे किसी रेलेवेंट एक्सपर्ट से हेल्प ले लेनी चाहिए. अगला सवाल हमारे सामने ये आएगा कि ये एक्सपर्ट कहां से आएगा. लेकिन इससे पहले एक मामला और वाजे कर दूं कि जो एक्सपर्ट की एंगेजमेंट है, ये हमारे क्लाइंट की बैक पर नहीं हो सकती. दैट इज वी कैन नॉट एंगेज एन एक्सपर्ट विदाउट फर्स्ट इंफॉर्मिंग और सीकिंग हिज कंसेंट. विदाउट फर्स्ट इंफॉर्मिंग आवर क्लाइंट एंड और विदाउट सीकिंग हिज कंसेंट, क्योंकि याद रहे मामला कॉन्फिडेंशियलिटी का भी है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल एथिक्स है. आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आप तो महंगे महंगे एक्सपर्ट्स की बातें कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स आएंगे तो फीस भी तो लेंगे ना, फीस कौन देगा. याद रखिए, फीस ऑलवेज ए मैटर ऑफ एग्रीमेंट. सो एंगेजमेंट लेटर में हम ये तय कर लेंगे अपने क्लाइंट के साथ कि इस एक्सपर्ट की फी कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, अगर इस एक्सपर्ट को कोई फी देनी है. आइए हम अब ये देखें कि ये एक्सपर्ट कहां से हासिल किया जाएगा, वो कौन सी हट्टी है जहां से हमें ये एक्सपर्ट्स मिलेंगे.
सो हमारे सामने चार सिचुएशंस हैं जिनमें यूजुअली एक्सपर्ट्स इंगेज किए जा रहे होते हैं या चार तरीकों से उनको इंगेज किया जा रहा होता है. सबसे पहले ही माइट बी एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हु इज इंगेज्ड बाय द एंटिटी, जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वही उसको इंगेज करें. ये सिचुएशन हमें बड़ी कॉमनली नजर आती है एक्चुअरी के केस में कि मैनेजमेंट ने उसको ऑलरेडी इंगेज किया हुआ होता है फॉर वैल्यूएशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ऐसी सिचुएशन हमें लीगल एडवाइजर के केस में भी नजर आती है. लीगल एडवाइजर भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर होता है और मैनेजमेंट ने उसको अपने लीगल केसेस के लिए एंगेज कर रखा होता है. दूसरी सिचुएशन वो होती है वेयर द एक्सपर्ट इज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर एंड इज एंगेज बाय द ऑडिटर. एट टाइम्स व्हेन वी गो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वी मे इंगेज एन आईटी एक्सपर्ट वो इज इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिसिंग. और व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर अगेन वी माइट बी इंगेजिंग एन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामर टू डू इट फॉर अस. सो एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर इंगेज बाय द ऑडिटर और ही मे बी एन एम्प्लॉई ऑफ द एंटिटी. कई दफा तो हमें ऐसा ही होता है कि इन्वेंट्री की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उनको कहते हैं कि जनाब आप जरा अपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के आदमी को डिप्यूट कर दीजिए जो हमें यह बता दे कि ये इन्वेंट्री डैमेज्ड है या ऑब्सोलीट है या बिल्कुल ठीक है, या किसी और ऐसे डिपार्टमेंट का आदमी जो इससे फेमिलियर हो. कहीं मशीनरी की यूजफुल लाइफ की असेसमेंट के लिए हम उनके प्रोडक्शन स्टाफ से पूछ रहे होते हैं कि जी आप बताइए आपका तजर्बा इस बारे में क्या कहता है. एन एक्सपर्ट मे बी एन एम्प्लॉई ऑफ द ऑडिटर. ये सिचुएशन टैक्स कंसल्टेशन के सिलसिले में होती है जहां पर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वेरीफाई कर रहे होते हैं और उनकी जो भी कंप्यूटेशन हमारे सामने आती हैं हम अपने मैनेजर टैक्स को वो देकर कहते हैं कि भाई जरा ये देखकर बताओ कि इन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ठीक कैलकुलेट की या नहीं की. सो ये चार तरीके हैं जिनसे एक्सपर्ट इंगेज किया जा सकता है. इससे पहले कि हम इस एक्सपर्ट के काम को यूज करें हमें एक बुनियादी सवाल का जवाब चाहिए. अगर एक्सपर्ट का किया हुआ काम गलत हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी, उस एक्सपर्ट पर या हम पर. स्टैंडर्ड कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओपिनियन इज दैट ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल है ओपिनियन के लिए. लिहाजा अगर एक्सपर्ट ने कुछ गलत किया और हमने उसके काम को यूज करके एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस की तो टुवर्ड्स द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट द एक्सपर्ट. हम उसके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से लिटिगेशन तो कर सकते हैं लेकिन हम यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसकी तरफ रवाना नहीं कर सकते, उसके लिए तो हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. जब ये बात वजाहत से हमारे सामने आ गई तो अब इसका मतलब है कि एक्सपर्ट के काम को हम आंखें बंद करके इस्तेमाल नहीं कर सकते. हमें उसके काम को यूज करने से पहले यह भी तो देखना चाहिए कि यह एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट भी है या नहीं है, इंटेग्रिटी भी इसकी ठीक है या नहीं है. हमें एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी को सबसे पहले देखना होगा. कैसे मालूम करें कि एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं और वो ऑब्जेक्टिविटी से काम लेने वाला है या नहीं है. इसके कई तरीके हो सकते हैं. मसलन हो सकता है कि हमने पहले भी इस एक्सपर्ट के साथ कभी काम किया हो और उस वक्त हमने इसकी कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट कर लिया हो. अगर हम ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर हमें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं होगी. इसी तरह से हम उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल मेंबरशिप्स को भी देख सकते हैं और उससे भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाउ कॉम्पिटेंट और हाउ ऑब्जेक्टिव ही इज. सिमिलरली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ही इज अ मेंबर वी कैन आस्क फ्रॉम देम वेदर एनी केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैव बीन ब्रॉट अगेंस्ट हिम बिफोर देम. मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें और एक इंजीनियर की बात करें तो हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस से पूछ सकते हैं कि जनाब आपका ये जो एक्सपर्ट है आपका जो इंजीनियर है
इसके खिलाफ कोई प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट के, कोई नेग्लिजेंस के केसेस तो नहीं आए, कोई बायस के केसेस तो नहीं आए, सो ये भी एक सोर्स हो सकता है। उसकी मार्केट में रेपुटेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है हमारे लिए, जहां से हमें इन चीजों के बारे में मालूमात मिल सकती हैं। सो इस तरह से हमें मुख्तलिफ जराए से उसके बारे में मालूमात मिल सकती हैं। याद रखिए कि जो एक्सपर्ट एंटिटी का एम्प्लॉई है उस बेचारे से ऑब्जेक्टिविटी की तवक्को रखना फजूल होगा, लिहाजा उससे हम सिर्फ उन मामलों में उसके काम को यूज करते हैं जो बड़े कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मामला ना हो। और ये सारी इंक्वायरी उस आदमी के केस में भी बेकार होगी जो ऑडिटर का अपना इम्प्लॉई है, क्योंकि उसके मुतल्लिक तो ऑलरेडी उसके पास तमाम मालूमात मौजूद होंगी। सो वंस वी आर सेटिस्फाइड दैट एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट, वर्क्स विद ऑब्जेक्टिविटी एंड इज एन ऑनेस्ट पर्सन, देन वी गेट इन टच विद हिम। हम उसके साथ लियाइज़ॉन एस्टेब्लिश करेंगे, हम उसको पूछेंगे, बताएंगे कि भाई ये काम है जो आपने करना है, उसको ये भी बताएंगे कि उसके इस काम का इस्तेमाल क्या होगा। उसको ये बताना जरूरी है कि जो कुछ वो करेगा उसकी बेसिस पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, और फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज होंगी। बाय द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो क्या इस्तेमाल करेंगे ये भी उसको बताइए, ताकि वो अपने काम की अहमियत का सही एहसास कर सके। जब हम उसको इस तरह से पूरी तरह ब्रीफ कर देते हैं, उसको ये भी बता देते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स डू वी नीड फ्रॉम हिम, किस शक्ल सूरत में हमें वो रिपोर्ट चाहिए होंगी, डिलीवरेबल्स दूसरे लफ्जों में आप कहिए, जब हम उसको बता देते हैं तो फिर वो अपने काम में जुट जाता है। जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा तो फिर हम उसके काम की असेसमेंट करेंगे। जी हाँ, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट का मतलब उसके काम की इवैल्यूएशन नहीं है, ये जांचना नहीं है कि उसने काम ठीक भी किया या नहीं किया। अगर हम इस काबिल होते तो फिर तो आप जानते हैं हमें उसको एंगेज करने की जरूरत ही ना पड़ती। सो ये तो दरअसल ये कुछ मोटा मोटा चेक है जो हम लगाने जा रहे हैं। मसलन हम इसमें एक्चुरी की मिसाल ले लेते हैं। एक एक्चुरी को जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स की इवैल्यूएशन के लिए या रिटायरमेंट बेनिफिट्स की लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए कहा जाता है तो उसको इम्प्लॉइज का डेटा प्रोवाइड किया जाता है। क्या ये डेटा मुकम्मल है, एक्यूरेट है, रेलेवेंट है, कंप्लीट, एक्यूरेट, रेलेवेंट? क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कुछ इंप्लॉइज का डेटा दे दिया और कुछ ना दिया तो जाहिर है कि सही वैल्यूएशन नहीं कर पाएगा। अगर ये अरिथमेटिकली इनएक्यूरेट हुआ तब भी जाहिर है कि वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, सही काम नहीं होगा। और अगर हमने उसको ईयर एंड की बजाय, करंट ईयर एंड की बजाय प्रीवियस ईयर एंड का डेटा दे दिया तो फिर भी जो वो वैल्यूएशन करेगा वो बिल्कुल गलत होगी। सो इसलिए ये पहला काम है जो हम कर रहे होंगे, और जाहिर है ये तो हम कर ही सकते हैं। सो वी विल एग्जामिन द डेटा प्रोवाइडेड टू हिम फॉर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस। इसके बाद वो एक्चुअली बहुत सी अजम्पशंस लेगा, इंप्लॉय की सर्विस लाइफ की अजम्पशन, इंप्लॉय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अजम्पशन, उसकी प्रमोशन के बारे में अजम्पशन, इंक्रीज इन पे के बारे में अजम्पशंस। इन अजम्पशंस की हम अप्रोप्रिएटनेस देख लेंगे। मिसाल के तौर पर हम एक्चुअली से पूछते हैं कि आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे डिटरमिन की एम्प्लॉय की। वो अगर हमें कहता है कि जनाब मैंने वो टेबल यूज किया जो इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं, तो क्या ख्याल है आपका, एजम्पशन की बेसिस अप्रोप्रिएट है ना? जी हाँ, इससे बेहतर बेसिस इस सूरत में मुमकिन ही नहीं थी। हमने उससे पूछा कि भाई तुमने ये अज्यूम किया है कि हर एम्प्लॉय की पे में हर साल 10% इंक्रीज होगी, सो हाउ डिड यू अज्यूम दैट? वो कहता है जनाब मैंने इसके पिछले 5 साल का डेटा देखा और हर साल मैंने देखा कि इंप्लॉइज की तनख्वाहों में 10% इजाफा हो जाता है। इसी की बेसिस पे मैं कहता हूं कि आइंदा भी ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्या ख्याल है? बेसिस